एक खबर हम आपको बता रहे हैं, लगातार यहां पर कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। उसके बाद में जयपुर जिला जेल जो है उसमें भी कोरोना का विस्फोट, 115 कोरोना के संक्रमित अभी तक वहां से मिल गए हैं। जेल में बड़ी संख्या में संक्रमित मिलना चिंता के विषय बन चुका है। अब जेल प्रशासन के इंतजामों पर भी अब सवाल यहां पर उठने लगे हैं। राजधानी जयपुर के सेंट्रल जेल से 125 कोरोना के संक्रमित आज। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए वन संवाददाता लोकेश ओला फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। लोकेश, बड़ा विस्फोट रामगंज के बाद में जो देखने को मिला है वो जयपुर सेंट्रल जेल में, क्या पूरी जानकारी है? आज 125 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं, जिसमें से 115 जो कोरोना पॉजिटिव है वो जयपुर जेल से मिले हैं। ऐसे में जेल प्रशासन के जो तमाम इंतजाम है कोरोना संक्रमण रोकने के और सोशल डिस्टेंसिंग से जो तमाम जो गाइडलाइन है उसके अवहेलना है, जब उनके जो इंतजाम किए हैं वो फेल नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ जिस तरह से लगातार जयपुर जेल में कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में और आज सबसे अधिक 115 कोरोना पॉजिटिव जयपुर जेल से मिलकर सामने आए हैं। और इसी को साथ में अब जयपुर की बात करते हैं, जयपुर में अब तक 1510 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। आज 125 कोरोना पॉजिटिव सामने आए, जिसमें से 115 जयपुर जेल से हैं। इस तरह से लगातार जिस तरह से जो कोरोना की गाइडलाइन का जो उल्लंघन यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि किस तरह के जो तमाम इंतजाम किए थे उनका खुलासा यहाँ पर नजर आ रहा है। जयपुर जेल में प्रशासन की ओर से जो कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जो तमाम इंतजाम किए गए थे उन पर सवाल या निशान अब खड़ा होता नजर आ रहा है। जयपुर जेल अधीक्षक भी पिछले दिनों कोरोना पॉजिटिव सामने आए थे, ऐसे में जो तमाम इंतजाम थे उनको लेकर किस तरह की है उनको लेकर भी अब चिकित्सा विभाग की ओर से निर्देशित किया जाएगा कि वहाँ पे किस तरह के जो तमाम इंतजाम वो होने चाहिए। और लेकिन जो खामियां हैं उनके बारे में पहले इनकी जानकारी ली जाएगी, कौन कौन सी खामियां रही जिनकी वजह से इतनी बड़ी संख्या में जयपुर जेल में जो कैदी थे अभी जो भी जेल कर्मचारी पॉजिटिव आ रहे हैं वो किस तरह से इनकी संक्रमित थे, इन तमाम बातों को लेकर अब चिकित्सा विभाग की ओर से चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ में वहाँ के जो तमाम इंतजाम है वो लगाए जाएंगे ताकि अन्य जो संक्रमण फैले उनको रोका जा सके। और तमाम जो भी जेल में जो भी कैदी और जो कर्मचारी है उनके सैंपलिंग लिए जा रहे हैं ताकि अन्य लोगों में संक्रमण रोका जा सके। जी लोकेश, निश्चित तौर पर ये जो यहाँ पर जेल प्रशासन है उसकी जो कार्यप्रणाली है वो अब सवालों के घेरे में है। इतनी बड़ी संख्या में वहां से कोरोना के संदिग्ध मिले हैं तो क्या आगे वो इस प्रकार से संक्रमण नहीं फैले? कितने वहां से अभी तक सैंपल्स लिए जा चुके हैं उसकी क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, जिस तरह से पहले जिस जेल में आज पहले कोरोना पॉजिटिव सामने आया था उसी के बाद में सैंपलिंग वापस स्टार्ट हुई है, सैंपलिंग में ही अब कोरोना पॉजिटिव मरीज वो सामने आ रहे हैं। ऐसे में जेल प्रशासन ने जो तमाम इंतजाम थे उन पर भी अब सवाल खड़े होने शुरू हो गई थी, किस तरह के वहाँ पे तमाम इंतजाम थे कि कोरोना संक्रमण रोका जाए, सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से वहाँ थी, और अगर ऐसा होता हुआ भी कोरोना पॉजिटिव आ रहे तो एक फिर से जेल प्रशासन जो तमाम इंतजाम है वो संदेह के दायरे में आता नजर आ रहा है। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया लोकेश। राजधानी जयपुर से आपको खबर बता रहे हैं, रामगंज जो क्षेत्र था शुरुआत में वहां पर कोरोना का विस्फोट हुआ, उसके बाद में राजधानी जयपुर के सेंट्रल जेल से भी आज कई कोरोना के संदिग्ध पॉजिटिव माफ कीजिएगा मरीज सामने आए हैं। 115 वो संख्या बताई जा रही है कोरोना संक्रमित मरीजों की। पूर्व में बताया जा रहा था कि जो जेल का अधीक्षक है वो कोरोना संक्रमित था, उसी के संपर्क में आने के बाद में ये सभी 115 पॉजिटिव